स्वामी जी, मैं विचारों से पीड़ित हूँ। मैं इसको यूं भी कहूँ कि मैं विचारवान हूँ, मैं लेकिन अच्छे शब्द नहीं दूंगा। विचारों का तांता लगा रहता है, विचार धुआंधार आते हैं जाते हैं, कभी कभार कम विचार भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर विचारों का तूफान मचा रहता है। दिन में विचार और रात में वही विचार सपनों का रूप धारण करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रात में भी मैं जागा जागा रहता हूँ, और विचार कब सपने में चले गए और सपने कब विचार हो गए, वो डिस्टिंक्शन भी करना कई बार मुश्किल होता है। कई बार मुझे यूँ रहता है कि मैं जागा हूँ या मैं सोया हूँ, और विचार सदा हैं। भयों से भी पीड़ित हूँ, खराब नींद रहती है, आधा सोया आधा जागा। बचपन से बुरे सपनों ने डराया है, मरने के सपने आए हैं, और सपने मुझे आज भी डराते हैं। आप क्या कहेंगे? केवल तुम्हारी बात करूं या सबकी बात कर लूं? ये सबकी सच्चाई तो सभी की बात है। सभी की कर। देखो, जीवन में मैंने बहुत लोगों को इस ढंग से देखा कि कोई आदमी कहता है कि उसे विचारों का जो है बहुत प्रभाव है, विचार उसके बहुत परेशान करते हैं। कोई आदमी कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं संसार के लिए बना रही हूं। कोई कहता है मैं करना बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन कैसे करूं मुझे इसका पता नहीं है। इन टोटल कहीं ना कहीं एक ही चीज हर मनुष्य के अंदर है और वो है कंफ्यूजन। बहुत कंफ्यूजन है। अब इस कंफ्यूजन को हर व्यक्ति अलग-अलग तरीके से व्यक्त करता है। जैसे तुम विचारों को लेकर व्यक्त कर रहे हो क्योंकि तुम थोड़े धार्मिक प्रभाव से, थोड़े धर्म ग्रंथों में जो लिखा है विचारों से मुक्ति चाहिए, इसलिए तुम विचारों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हो। जो व्यक्ति संसार में रहता है, दुनिया में कुछ करना चाहता है, वो व्यक्ति मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं उस जैसा या इस जैसा, वो उसके संबंध में अभिव्यक्ति देता है। एक आदमी उसको फेयर है किसी तरीके का, तो वो अगर स्कूल में पढ़ता है तो वो स्कूल के संबंधित अपने तर्कों का इस्तेमाल करेगा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे टीचर से भय लगता है। तो जो भी व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है अपने शब्दों को, वो उसके आस पड़ोस के एनवायरनमेंट के कारण शब्द हैं। लेकिन इससे प्रश्न अलग नहीं हो जाते। प्रश्न एक है और प्रश्न एक है कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को अगर मैं सही से नाम दूं तो मैं कहूंगा ये डिप्रेशन है। इस कंफ्यूजन को अगर मैं सही से नाम दूं तो इसे मैं कहूंगा ये डिप्रेशन की स्थिति है। लेकिन अब डिप्रेशन को बहुत लोग डिप्रेशन नहीं कहना चाहते क्योंकि डिप्रेशन के संबंध में बहुत लोगों को ऐसे सिखाया गया कि डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। और वो कहते हैं मानसिक बीमारी तो हमें बिल्कुल नहीं, दिमाग तो हमारा बहुत अच्छो, तो दिमाग बहुत अच्छा है तो मानसिक बीमारी मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन वो कहते हैं स्ट्रेस है, हमें स्ट्रेस रहता है। इसी को बहुत से लोग हैं वो एंजाइटी के रूप में जानते हैं, जिसमें विचारों का जो है वो लगातार एक प्रभाव बढ़ता चला जाता है, हमारे ऊपर एक ही विचार हावी होने लगते हैं, उसे हम एंजाइटी के रूप में जानते हैं। लेकिन सही में ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन इसलिए है कि इंसान को अपनी चिट्ठी पढ़ना नहीं आता जिसको वो लेके पैदा हुआ, जिसको वो लेके पैदा हुआ। अब ये मेरे साथ और इस जगत के साथ दिक्कत है कि डिप्रेशन को व्यक्त करने के लिए कि डिप्रेशन असल में होता क्या है, मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा वो शब्द तुम्हें समझ में आए, तो इसके लिए मैं कुछ धार्मिक शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन मैं यहां पे धार्मिक बात नहीं कर रहा, ये सब स्पष्ट है। मैं यहां पे धार्मिक बात नहीं कर रहा लेकिन धार्मिक तर्कों का और शब्दों का उपयोग कर रहा। हम सब ने ये चीज सुनी है कि हमारी आत्मा होती है,
हम सब ने ये सुना है कि आत्मा सोई हुई होती है, या आत्मा जो है वो परेशान होती है, ये बेचैन होती है। सोई हुई वो लोग बात करेंगे आत्मा की जो ध्यान और योग और इन सब में पड़े हुए हैं, लेकिन आत्मा बेचैन है ये वो लोग बात करेंगे जो संसार में पड़े हुए। लेकिन वो इंडिकेशन आत्मा से ही संबंधित है। सोया हुआ होना, आत्मा का बेचैन होना, आत्मा का तुम्हें साथ ना देना, ये सब एक ही बात की ओर इशारा करती हैं कि तुम्हारे अंदर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है कि तुम्हारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैच नहीं कर रहा। एक मोबाइल तुम अच्छा सा ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, अगर उसके सॉफ्टवेयर उसके अनुरूप नहीं है तो तुम्हें वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। वो तुम उसमें जो भी फंक्शन डालोगे वो कहेगा आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे पता नहीं। जैसे एप्पल में वो सिरी करके होती, वो सिरी से बात करो, उसे बोलो सिरी मतलब कुछ ऐसी बात कहो जो सिरी को नहीं सिखाई गई हो, तो कहेगी सॉरी ये मेरे मतलब की नहीं है, इसका मैं आंसर नहीं देती। सिरी बोलो सिरी आई मैरी यू, सॉरी दिस फंक्शन इज नॉट अवेलेबल हियर, क्योंकि वो फंक्शन को उसे सिखाया नहीं गया। अब सीधी से कौन शादी करना चाहेगा, इसलिए उसे सिखाया भी नहीं गया। तो वो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का एक डिफरेंस पैदा होता है उसके कारण ही लोग डिप्रेशन में जाते हैं। ये है डिप्रेशन की असली समस्या। लेकिन वो डिफरेंसेस पैदा कैसे होता है इसको अगर समझने चलोगे तो तुम हैरान रह जाओगे। ये डिप्रेशन पैदा होता है तुम्हारी सामाजिक बनावट के कारण। तुम्हारी आत्मा को समाज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारा जो आत्मा जब शरीर में आती है तो ये शरीर जिस संसार में आता है वो संसार जो है वो बहुत उल्टा है, वो बहुत उल्टा है। और वहां पे वो आत्मा इस शरीर को वाहन के रूप में तो यूज करती है कि हम यात्रा करेंगे, इससे हम इसे इंजॉय करेंगे, हम इसके साथ जगत को और जिएंगे। लेकिन वो जगत में जब उसे रुकावटें, जब उसे परेशानी, जब उसे और सब चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं वो आत्मा नाराज हो जाती है। वो कहती है जैसे सिरी वो कहती है ऐसे ही आत्मा भी कहती है ये हार्डवेयर जो है हमारे लायक नहीं है। इसीलिए हर डिप्रेशन के व्यक्ति को या जगत से किसी भी तरीके से नाराज व्यक्ति को जो भी शिकायतों से भरा है एक विचार आता है, और वो विचार है इससे अच्छा तो मर जाएं, अगला जन्म लें, शायद अगली बार एक अच्छी परिस्थितियां मिल जाएं, हम उसमें अच्छे से जी लें। ये ख्याल आता है? मुझे नहीं आता, बाकी और तू भी नहीं बातें आता, लेकिन ये बहुतों को आता है। ये ख्याल आता है कि हम इससे अच्छा तो मर जाएं, एक हमें नई परिस्थिति मिले। अब ना आता हो लेकिन किन्हीं 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 वक्त में आ जाता है। कुछ नहीं तो यही ख्याल आ जाता है, जैसे एक आदमी को कभी कोई जीवन में स्त्री देखने को नहीं मिली। ये मैं पहले की बातें बता रहा हूं कि नग्न स्त्री किसी को देखने को ना मिली तो उसको ख्याल आता है यार इससे अच्छा तो बंदर हो जाते, किसी के बाथरूम की खिड़की पे चढ़ के झांक के देख लेते। कभी कभी ख्याल होता है इससे अच्छा तो हम जो हैं वो कुछ इस तरीके के जानवरों के संबंध में भी ख्याल आता है, काश हम ऐसे हो जाते। ये जो ख्याल आना है ये ख्याल तुम्हारे कॉन्शियस को आता है जिसके लिए तुम्हारा हार्डवेयर उपयुक्त नहीं है, जिसके लिए तुम्हारा हार्डवेयर उपयुक्त नहीं है। और ये पीड़ा, ये दर्द, यही दर्द असल में डिप्रेशन है। और ये दर्द लगभग लगभग दुनिया के सभी मनुष्यों को है, सभी को है। किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, अब वो चिंतित है, लेकिन फिर हम करते क्या हैं, हम इसके संबंध में क्या करते हैं। तीन चार लेवल्स की बात मैं कहता हूं, वो उसको थोड़ा समझें। सबसे पहला लेवल है कि हम जगत में जो जीना चाहते हैं उसको जी नहीं पाते, तो हम
सप्रेशन से गुजरते हैं, हम सप्रेस करते हैं, हम दबाते हैं। दबाने वाले की संख्या तो 100% है, लगभग 100% लोग ही दबा रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा इससे ऊपर का लेवल है, जब हम दबाते हैं। सपोज दैट एक व्यक्ति अपनी काम वासना को दबा रहा, कोई बीवी से नाराज है, थप्पड़ मारना चाहता है लेकिन नहीं मार पा रहा, दमन दबा रहा। कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर देना चाहती, बहुत दुष्ट है, संतुष्ट भी नहीं है उससे, किसी और के पास जाना चाहती लेकिन नहीं जा सकती, तो वो अपने को दमित कर रही, दबा रही। तो सबसे पहला तो सप्रेशन है। फिर सप्रेशन वाला व्यक्ति जब किसी ऐसे को देखता है जो उस विषय पे सप्रेस नहीं है, तो उसे लगता है ये मुक्त है, ये बढ़िया है, जबकि वो किसी और विषय पे सप्रेशन में हो सकता है। लेकिन जब इस विषय वाले व्यक्ति को उस विषय वाले व्यक्ति से मुलाकात होती है जो इस विषय को अच्छे से जी रहा होता है, तब इसे फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। फ्रस्ट्रेशन सप्रेशन जिन कारणों से किया गया है उसकी दूसरे को जीता देख के पैदा होने वाली खिसियाहट है, जलन, खिसियाहट, जलन कहना अच्छा नहीं, खिसियाहट, इसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये बहुत लोग होते हैं जिनको अपने जीवन में लगता है सभी दुखी हैं, नहीं मिल रहे, हम भी भैया ऐसे ही हैं। आपके घर में सिखाया जाता है, अरे बेटा संसार ऐसे ही चलता है, देखो सभी ऐसे ही हैं दुनिया में दुखी। तो जो लोग अपने दुख से समझौता कर लेते हैं वो लोग सप्रेशन में जीते रहते हैं पूरी जिंदगी, लेकिन कभी भी उनको फ्रस्ट्रेशन तक स्थिति नहीं आती, क्योंकि दूसरा कोई दिखता नहीं, जब दिखता है तब आती है। फिर वही फ्रस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते लगता है कि वो जी रहा है, हम क्यों नहीं जी पा रहे, तो जीवन में एक निराशा आती है और वो स्थिति डिप्रेशन की स्थिति है और वो भयंकर स्थिति है। लेकिन जब कोई स्थिति डिप्रेशन की पहुंचता है, तो यदि उसको ना समझ में आए कि ये डिप्रेशन है, या उसको लगे कि जिंदगी में ऐसी निराशाएं हैं, तो वो क्या करता है, किसी बाबा के पास भाग जाता है। बाबा जी तो अपने चूरन की पुड़िया लेके तैयारी बैठे हुए, उनके पास एक विशेष तरीके का चूरन है, वो इसे चटाएंगे। कोई ध्यान का चूरन बेच रहा, कोई योग का चूरन बेच रहा, कोई कपाल भाती का चूरन बेच रहा, कोई कुंडलनी जगवा दे इसका चूरन बेच रहा, ये खूब चूरन चल रहे हैं। वो चूरन लोग चाटते हैं, फिर कोई उस चूरन चाटने में ही ऐसा फील कर लेता है कि जिंदगी हमारी इसीलिए बनी, फिर वो चूरन चाट चाट के अपने को सेटिस्फाई कहने लगता है और दुनिया में प्रचार करता है उन बाबा जी का कि इनकी वजह से हम बहुत आनंदित हुए। और आनंद होता है, लेकिन आनंद नहीं होता है, वो एक भ्रम होता है आनंद का। हालत यह है कि जो सेक्स को जीना चाहते हैं वो ऐसे बाबाओं के पास भाग जाते हैं जो सेक्स व्यर्थ है बताने पर बैठे हुए हैं, और जब सेक्स को जी नहीं पा रहे और बाबा जी व्यर्थ बता ही रहे हैं, बाबा जी तो महान है, दुनिया में बड़ा नाम है, हजारों के बेवकूफ चेले हैं, तो ऐसी स्थिति में हालत ये होती है कि फिर वो कहता है यही है असली चीज। फिर वो अंगूर खट्टे वाली स्थिति हो जाती है, अंगूर खट्टे हमारे लिए है ही नहीं, ये पूरी दुनिया का एक तमाशा है, इस तमाशा में लोग पड़े। थोड़े समझदार फिर कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को समझदार मानते हैं, मेरी बात सुन रहे बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहते हम इस बेवकूफी में नहीं पड़े, हम नहीं जाते किसी बाबा के पास, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी बाबा ही है एक प्रकार का, अलग किस्म का, वो थोड़ा दूसरे किस्म का बाबा है, वो गोलियों पे आधारित है, वो दवाइयों पे आधारित है। फिर जैसे आप किसी कुंडलनी जगाने वाले बाबा के पास जाएं और उसको उसको इस तरीके से आप बोलें, तो वो कुंडलनी की आपको बात कहेगा, थोड़े दिन वाला आप कहोगे प्रभु अभी कुछ हुआ नहीं, और जगाओ और थोड़ा जोर लगाओ, वो जोर लगवाएगा तुमसे और जोर, तुम ज्यादा कहो जोर तो प्रभु बहुत लगाया, आचरण में थोड़ा सुधार लाओ, वो ऐसी बातें समझाएगा। वो ऐसे ही बात हमारा डॉक्टर बैठा हुआ है, बेटा एक गोली खाओ इससे रिलैक्स मिलेगा, वो गोली ले जाता है 1 mg की ले जाएगा, 1 mg की ले जाके खाएगा,
फिर लेकिन थोड़े दिनों बाद शरीर को गोली की आदत हो जाएगी, कुछ होगा नहीं। फिर डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब थोड़ा सा कुछ दिन से बेचैनी चल रही, पहले तो आपकी दवाई से हमें बहुत आराम मिला था, लेकिन अभी कुछ दिन से फिर बेचैनी फील हो रही। कोई बात नहीं, 2 mg बढ़े लो। फिर वो 2 mg थोड़े दिन बेहोशी को बढ़ाती रहती है। फिर एक दिन ऐसा होता कोई mg असर नहीं करती। डॉक्टर कहते हैं, फिर डॉक्टर कहने लगे, अब डॉक्टर कहने लगे तुम ऐसा करो, किसी किसी ध्यान या किसी मेडिटेशन वाले सेंटर से जुड़ जाओ। वो ये नहीं कहते बाबा सजेस्ट नहीं करते, वो सीधे सीधे कोई बाबा सजेस्ट नहीं करते, वो बड़े अच्छे ढंग से कहते किसी मेडिटेशन वगैरह भी कर लिया करो, ये भी एक चीज़ है। जैसे वो आचरण की बात करता है ऐसे जी मेडिटेशन की। सारी बेवकूफियाँ इधर से उधर, इधर से उधर ड्रामा कर रहे हैं, असली चीज हम पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। और यही कारण है कि पूरे जीवन में हम एक ऐसी बेहोशी का जीवन जीते हैं कि जिससे हमें ये लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। बेहोशी इसी बात की तो बेहोशी होती, लग रहा है ठीक है और ठीक है भी नहीं। और फिर हम इसका प्रचार भी करते हैं और पूरी दुनिया, फिर ऐसे बेहोश लोग ही पूरी दुनिया का निर्माण करते हैं जो बेहोश बनी रहती। तो ये है इस जगत की असली समस्या। और फिर मैं कहता हूं डिप्रेशन ही समस्या है, असली समस्या डिप्रेशन। आप तो डॉक्टर हैं, आप बता सकते हैं कि डॉक्टरी में इसका कोई इलाज है? संभवतः नहीं। संभवतः नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ईमानदारी से कह लिए कि संभवतः नहीं, लेकिन उस ईमानदारी में भी एक चीज लगी रही, संभवतः। और वो संभवतः इसलिए क्योंकि पूरा विज्ञान इसी आधार पर खड़ा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, अभी नहीं है लेकिन खोज लेंगे, थोड़े समय बाद खोज लेंगे। और ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट के हिस्से हो जाते हैं। एक आदमी बस एक्सपेरिमेंट में लगा रहता है, डॉक्टर एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। तो डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से बहुत सारे डिप्रेशन के रोगियों को इलाज किया हूँ, काम किया हूँ, तो वो मैंने पाया है कि डॉक्टरों के पास कोई इसका इलाज नहीं। मेरा साइकोलॉजिस्ट से एक जुड़ा एक सवाल था। एक आदमी एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो साइकोलॉजिस्ट मेरा क्लासमेट है, वो साइकोलॉजिस्ट हो गया, मैं वो MBBS में था तो वो साइकोलॉजिस्ट हो गया, मैं BDS के बाद MDS में आ गया, लेकिन वो मेरा क्लासमेट है सेम बैच का। तो मैं गया तो वो साइकोलॉजिस्ट है और मैं उसने बिठा लिया और वो उसका पेशेंट आ गया मेरे सामने ही, वो उसकी काउंसलिंग कर रहा है। और मैंने पाया कि वो जो पेशेंट आया वो जो समस्याएं पूछ रहा है उन्हीं समस्याओं से मेरा दोस्त जो कि साइकोलॉजिस्ट है वो खुद ग्रसित है, खुद ग्रसित है। साइकोलॉजिस्ट और पेशेंट है वो सेम लेवल पे हैं, यही बिल्कुल सेम लेवल पे हैं, यही यही। अब असल में क्या है, अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के पास जो व्यक्ति गया है इलाज कराने, तो साइकोलॉजिस्ट इसको जो बता रहा है ये फायदा भी करेगा थोड़ा सा, लेकिन किस लेवल पे फायदा करता है? ये सॉफ्टवेयर के लेवल पे फायदा करता है। जैसे आप हार्डवेयर, आपका मोबाइल आप ले आए, उसमें गलत सॉफ्टवेयर पड़ा है, आप काम नहीं कर रहा सही से, तो आप क्या करोगे, फिर और सॉफ्टवेयर बदल के देखोगे, दूसरा सॉफ्टवेयर डाल के देखोगे कि ये काम कर जाए, वो नहीं करेगा तो दूसरा सॉफ्टवेयर, इसको ऐप भी बोलते हैं आजकल, हम उसको ऐप बोलते हैं, समाज में ऐप बोलते हैं, ये एक नया ऐप डाल लेगा, फिर वो नया ऐप डाल लेता है, फिर वो ऐसे ऐप बदलता रहता है, पहले कुछ ऐप करता था फिर कुछ ऐप करता था, अब तो डॉक्टर बड़े होशियार हो गए, वो ऐसे ऐसे ऐप बताते, एक पैक ले लिया करो आप, एक पैक ले लिया करो रात में, अब तो ऐसे ऐप बताने लगे डॉक्टर, ये भी बताने लगे एक आध सिगरेट पी लिया करो, ऐसे भी ऐप बताने लगे डॉक्टर, भी क्या करें बेचारे, वो भी ऐप में है ये भी ऐप में है, सब उसी के हिस्से हैं, धंधा चल रहा है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं इसका इलाज है, और इसका एक बहुत सलीके का इलाज है। समस्या तो मैंने तुम्हें बताई कि समस्या क्या है, लेकिन इसका एक इलाज है कि जब कोई मोबाइल सही से काम नहीं कर रहा या कोई एक व्यक्ति के जीवन में वो सही से सेट नहीं है, इसको उसकी परिभाषा में बोलूं तो एडजस्ट नहीं है जमाने के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ, तो ऐसे में उसकी या तो प्रॉब्लम यह है कि मोबाइल में अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, या यह है कि सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है लेकिन मोबाइल उसके लायक नहीं है।
तो या तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो यदि आत्मा को हम थोड़ी देर के लिए सॉफ्टवेयर मान लें, जो कि खैर अब मैं तर्क क्योंकि बदलने पड़ेंगे वरना आप लोग भटक जाओगे, मैं जो बात कह रहा हूं वो आप तक पहुंचाने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, आत्मा को हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का हिस्सा मान लें जो गोंद है। आत्मा वो है जो चला रही है उसको मोबाइल को, और शरीर है मोबाइल। शरीर को जो जीवन शैलियां सिखाई गई हैं वो है सॉफ्टवेयर। तो जो मोबाइल चला रही है वो आत्मा। तो यदि आत्मा संतुष्ट नहीं है मोबाइल से तो एक ही काम कर सकती है कि अगर सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं तो सॉफ्टवेयर पढ़े, हार्डवेयर अच्छा नहीं तो हार्डवेयर पढ़े। यदि हार्डवेयर, कभी कभी हार्डवेयर में भी प्रॉब्लम होती है, यदि हार्डवेयर सही कर दिया जाए तो जो चीजें हमें सिखाई जा रही हैं हम उसके साथ मैत्री गठित कर लेते हैं, और उस मैत्री गठित कर लेने से वो बढ़िया काम करता है और आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। आत्मा को जब पीड़ा नहीं होती तो वो साथ छोड़ के नहीं भागती। जब वो साथ छोड़ के नहीं भागती तो उसको ही धर्मों में जागरण आत्मा का कहा गया, उसको ही सामाजिक लोग जो हैं कि वो आत्मा प्रसन्न है, प्रफुल्लित है कहते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें कहां पे ये प्रॉब्लम है, और कभी कभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच भी एक प्रॉब्लम होती है, वो तीसरी स्थिति बता रहा हूं, वो होती है इनबिल्ट प्रोग्राम में गड़बड़ होना। तो यदि वो इनबिल्ट प्रोग्राम पे सही से काम किया जा सके तो भी हम मोबाइल को इस योग्य बना सकते हैं कि उसको इस्तेमाल करने वाली चेतना आनंदित रहे, और जब वो आनंदित रहेगी तो कोई व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति, मैं बोल सेक्स की बात ज्यादा करता हूं इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा विषय है, जैसे एक व्यक्ति सेक्स नहीं जी पा रहा और वो परेशान, लेकिन ऐसे दूसरे लोग मिल सकते हैं जो सेक्स नहीं जी पा रहे लेकिन आनंदित हैं, ऐसे भी लोग होते हैं या उतने परेशान नहीं है। हाँ, उतने परेशान नहीं, हम तो ऐसे भी तुम्हें मिलवा देंगे जो बिल्कुल परेशान नहीं। तो ऐसे लोग फिर कैसे हैं, यदि प्रॉब्लम केवल केवल सेक्स होती तो फिर परेशानी तो फिर सबको होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए, लेकिन एक में है और एक में नहीं है। इसका मतलब है कुछ इसके हार्डवेयर में ऐसी चीजें हैं जो उसको ढंग से परेशान नहीं करती। इनबिल्ट प्रोग्राम अलग है, उनके कुछ प्रोग्रामिंग में कोई ऐसी चीज है जो एक प्रॉब्लम एक को परेशान कर रही है एक को नहीं। जैसे कुछ लोग हैं जिनके पास धन नहीं होता है वो बड़े परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं धन नहीं होता फिर भी मौज में होते हैं, इसका मतलब धन भी समस्या नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं, अब क्योंकि इस संसार में तुम पैदा हुए, या तो इस संसार को ऐसा डेवलप करो कि जहां हर व्यक्ति को उसके चाहतों तक पहुंचने के रास्ते उपलब्ध हों। अब या इस समस्या में बात होगी तो फिर या तो मुझे नेता बन जाना पड़ेगा, अब भाई वो भी कहां तक मैं बनूं, ज्यादा ज्यादा सलाह दे सकता हूं, लेकिन वो रास्ता एक गड़बड़ का रास्ता है, वो रास्ता तो एक बहुत ब्रॉड रास्ता है, उस पर मैं दूसरे ढंग से काम करूंगा, उस पर हम सखा परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति को किस ढंग से डेवलप किया जा सकता है कि वो व्यक्ति इस सामाजिक संरचना में बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन को जी पाए, ये काम धर्मों ने करने की कोशिश की। धर्म भी सनातन समय से आत्मा के जागरण की बात करते रहे। आत्मा का जागरण का मतलब वही होता है कि एक व्यक्ति की आत्मा उसकी साथ हो, प्रफुल्लित हो। प्रफुल्लित चेतना ही जागृत चेतना कही जाती है, लेकिन उसके जो प्रयास थे वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से पुराने हो गए, अब वो काम नहीं करते। पतंजलि के समय में जिस तरीके की आबोहवा थी तो पतंजलि कह सकते थे कि यदि तुम्हारा शरीर फुली ऑक्सीडाइट हो तो तुम थोड़े से अच्छे रह सकते हो, लेकिन आज तो पृथ्वी का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पे फुल्ली ऑक्सीडाइट हुआ जा सकता है।
तो 10,000 साल पुराने सूत्र आप काम नहीं आएंगे। ये हो सकता है कि कुंडली जागरण के जिन लोगों ने प्रयोग किए हो वो अपनी बात करें हो, लेकिन अब कुंडली जागरण के नाम पे जो बेवकूफियां इकट्ठी हो गई हैं इनका क्या किया जाए? अब कुंडली जागरण के नाम पे, जैसे आप डॉक्टर हो आप ये भी जानते हो, यदि किसी व्यक्ति को कुछ देर तक थकाया जाए, कुछ लोग होते हैं जिनमें कुछ तत्वों की कमी होती है, जिसमें शायद एक तत्व मुझे किसी ने बताया था सोडियम वगैरह या कुछ भी शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो ऐसे में कोई व्यक्ति अगर थोड़ी देर तक कूद फांद करे तो वो अचेतावस्था में पहुंच सकता है, फड़फड़ा सकता है उसका शरीर। आप डॉक्टर हो, थोड़ा हाँ बुलाओगे तो लोगों सोडियम क्लोराइड वो ये कुछ ऐसा होता है, नमक, नमक की अगर कमी हो, NaCl, तो ऐसी स्थिति में शरीर फड़फड़ा सकता है। अब बाबा लोगों के यहां 100 लोग आए हुए हैं, अब 100 लोगों में किसी एकाध के अंदर कमी हो सकती है नमक की, अब वो व्यक्ति वहां पे कसरत कर रहा है और वो भी जोर लगा तो एकाध गिर के फड़फड़ाने लग सकता है, और बाबा जी तमाशा बना देंगे उसका, जाके सर पे हाथ रख देंगे, माथे पे जग गई, इसी की जग गई, वो साला बेचैन है तो उसकी कुंडली जगवाए पड़े, उसे सोडियम की जरूरत है, तुमने उसका सहस्रार्थ जगाने के लिए लगे पड़े। ऐसी जो हालतें हैं, मैं तो कहता हूं कुंडली जागरण का वास्तव में किसी के पास प्रयोग हो तो पहले शरीर की जांच करके जाओ, बाबाओं के पास शरीर की जांच करके जाओ, थोड़ा देख लो कमी उमी तो नहीं है सोडियम वेडियम की कहीं, वरना तो तुम्हारी जग जाएगी। बाबाओं का धंधा बड़ा अनूठा, जिसकी जगी वही तो असली शिष्य, बाकी तो सब झूठे थे, ये तो साफ कह देते हैं वो। मैं कई बार कहता हूं यदि कोई प्रयोग है तो सब पे काम करके दिखाए, लेकिन कोई प्रयोग विरोग नहीं है, तुक्का है ये, तो तीर छोड़ रहे हवा में, जो लग गया सही वही तो मारा था, बाकी तो सब गुरु के चरणों में थे, वो तुमने कहानी नहीं सुनी अर्जुन जो था उसने तीर छोड़ा तो लोगों ने कहा देखा देखा मछली की आंख में लगा नहीं, वो तो माँ के पास गिरा, बोले माँ को प्रणाम कर रहे थे। अरे साले जहां पीछे कोई माँ बैठी, गुरु बैठे, पिता वहां बैठे, सब बैठे और बीच मछली रखी, अब तुम्हारा तीर अगर मिस होगा किसी के पैरों में तो जाएगा, अब माँ की जगह पिता माँ के पैरों में जाता तो कहते पिता माँ को प्रणाम कर रहे हैं, अब दोबारा मारते दोबारा मिस हो जाता माँ के पैरों में जाता बोले माँ को भी प्रणाम। हाँ ये जो मिस कॉल पे कहना है कि हमने हमने आपको कॉल किया था आपने उठाया नहीं, ये तो बदतमीजियां हैं, ये तो बदतमीजियां हैं। तो ऐसी बदतमीजियों से बहुत लोग भरे पड़े, कुंडली जगवाई जा रही, फिर जो बेचारा सोडियम की जिसमें कमी है वो फड़फड़ाने लगा, अब उसको थोड़ी देर बाद तो रिलैक्स हो ही जाएगा, अब जो व्यक्ति फड़फड़ा के गिर पड़ा और जो 10-12 दिन से कभी सोया नहीं, कभी अच्छी नींद नहीं मिली, कभी किसी तरीके से बेचैन रहा, वो जब थोड़ी देर बाद उठेगा तो उसको फील गुड आएगा, फिर फील गुड इसलिए भी आएगा क्योंकि अब उसकी कुंडली जग गई, बाबा जी कह रहे हैं तो बाकी के भी तो बेवकूफ हैं 99, वो उसको गले लगा लेंगे उसको और फील गुड आएगा, और फिर वो बाबा जी के कुछ चेले भी होंगे जो वीडियो बना रहे होंगे, फिर वो वीडियो उनको बताएंगे कि तुम्हारा वीडियो भी बनाया, फिर वो अपना वीडियो भी ले लेगा, फिर वो फेसबुक पे डालेगा मेरी कुंडली जागरण के वक्त का फोटो, फिर फंसे चूतिया 10-20 कुंडली जागरण हो रहा है खूब तमाशे से। ऐसी घटना ओशो के जीवन में भी घटी, शीला ने कहा कि आपने कल घोषित किया था इनको बुद्ध पुरुषों को और वो सारे चरण स्पर्श करें अगले दिन जब वो सैर करने निकले, आपने सुनी होगी वो घटना, फिर बोले ये क्या मूर्ता चल रही है, बोले आप ही ने तो ये मूर्ता स्टार्ट कराई है कल, अब भूल गए कल आप ही ने कहा था कि ये बुद्ध हो गए तो अब आपके शिष्य तो, और ये बड़े अकड़े हुए चल रहे हैं, यूं यूं चल रहे हैं, संभल संभल के कदम चल रहे हैं इनके, मैंने कह भी दिया होगा पर इनमें जरा सी भी अकल नहीं है, ये देख हुए कि नहीं हुए, लेकिन हो गया शुरू। तो मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि असल में ये जो कुंडलनी जागरण का भी मामला गलत दिशा में जा रहा है पूरे देश में, योग के नाम पे भी जो चल रहा है ये भी कुछ फड़फड़ाती हुई अवस्थाएं हैं, इनको मैं क्या क्या नाम दूं, है ना। अब तुक्का किसी एक का लग गया धोखे से, अब वो बेचारा प्रचारक बन जाता है, तो ये सारी कहानी गलत है।
असली बात तो यह है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, और ये वैज्ञानिक आधार पर भी कही जा सकती है और समझी जा सकती है, और ये आध्यात्मिक आधार पर भी समझी जा सकती है। मेरा इसमें एक सवाल है स्वामी जी, स्ट्रेसन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन, ये यात्रा है, समझ में आता है, मैं वैज्ञानिक बुद्धि का हूं, बहुत आसानी से समझ पाऊंगा। अगर जड़ सप्रेशन से शुरू होती है, और सप्रेशन कुछ ऐसी चीज जो कि अनअवॉइडेबल है, परिस्थितियों में आप किसी भी, या तो फिर समाज, पूरा समाज बदले और वहां पे ऐसी स्थितियां हो कि वहां पे सप्रेशन हो ही ना, बिल्कुल, लेकिन वो संभव नहीं दिखता, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी संभव था, हमेशा हालात ऐसे ही रहे, शायद भविष्य में भी कभी संभव हो, मैं उसकी संभावना कम ही देखता हूँ, तो वो सप्रेशन होगा ही होगा। और जब सप्रेशन में पूरी मनुष्य जाति जी रही है विदाउट ए स्वीट एक्सेप्शन, एक भी अपवाद को छोड़कर, तो वो उससे अगला जो तल है वो आ ही जाना है, सप्रेशन से अगला तल देर या लेट आ ही जाएगा, जल्दी या लेट, जिसका नाम है फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन है तो फिर वो आ जाएगा डिप्रेशन, तो वो प्रक्रिया तो सतत जारी है, नहीं नहीं इसको तोड़े कैसे? अब समझो, एक व्यक्ति का हार्डवेयर है कि उसकी टांग टूटी हुई, उसकी एक टांग टूटी हुई मतलब लंगड़ा है, ये हार्डवेयर की स्थिति है। अब उसमें सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो फुटबॉल किसी प्लेयर का फैन हो गया, तो वो तो बैठा बैठा लाते चलाएगा, ये है उसकी सेपरेशन कि वो अब खेल तो पा नहीं रहा। लेकिन अगर ये समझ के कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कहां प्रॉब्लम है, उसके पैर लगाया जा सके और वो फुटबॉल खेल सके, तो ऐसी स्थिति में उसका सेपरेशन दूर किया जा सकता है। यानी कि तुमने उसके हार्डवेयर में एक ऐसी चीज कर दी जो चीज जो है उसको मैच कर गई उसके सॉफ्टवेयर से, तो फिर समस्या समाप्त। अब इससे दूसरी समस्या पे आ जाते हैं, सेक्स पे आ जाते हैं। एक व्यक्ति बहुत कामुक पैदा हुआ, वो उसके हार्डवेयर की प्रॉब्लम है कि उसका हार्डवेयर बहुत कामुक है, लेकिन मस्तिष्क में उसके ऐसा है कि डरता है और जी नहीं पा रहा, तो तुम कहोगे इसे मैं कैसे ठीक कर सकता हूं? तो मैं ये कह सकता हूं, अब तुम्हें वैज्ञानिक आधार पर बता रहा हूं, मेरा आधार तो तुम हटा दो, तुम्हारे आधार पर बता रहा हूं, वैज्ञानिक आधार पर यह कह सकता हूं कि यदि इस तरीके की हार्डवेयर में प्रॉब्लम है कि ज्यादा सेक्स की नीड है, अब या तो समाज ऐसा बनाओ कि उसकी वो नीड पूरी हो पाए, जो कि नहीं कर सकते एक उस पे, तो ये किया जा सकता है कि उसका एक सूक्ष्म ऑपरेशन किया जा सकता है जिसमें उसकी सेक्स की मांग गिर जाए, फिर वो बड़ा बढ़िया फील करेगा, इसी समाज में बढ़िया फील करेगा। अब बाबा लोग क्या करते हैं, वहीं पे उल्टा है, बाबा लोग उसके शरीर में तो कोई सेक्स का वो कर नहीं पाते, कि शरीर में तो कोई ऐसा ऑपरेशन कर नहीं पाते कि उसके अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन की मात्रा थोड़ी सी गिरा दें और वो सही हो जाए, वो उनके पास यंत्र भी नहीं, उनके यंत्र नहीं है, तो बाबा लोग सॉफ्टवेयर को ही सिखाते हैं, शांत रहो, काम स्त्री में मत करो, स्त्री में बहन देखो, ओम भाई ओम करो, वो फोकट का बात है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो हालत ये है कि यहां पे एक प्रोसेस ऐसा है कि कहां पे मिस्टेक हो रही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, इसे समझना पड़ता है। मेरे पास जब कोई व्यक्ति आता है तो मैं कभी भी किसी को एक चीज आज तक नहीं कराई, कोई मेरे पास चूरन है ही नहीं, मैंने इत्तेफाक से उस व्यवस्था को जो मैं कराता हूं उसको एक नाम दिया था मैंने, योग निद्रा। अब लोगों ने योग निद्रा समझ लिया कि ये कुछ नींद वाली चीज है, वो नींद के चक्कर में पड़ गए, अब सारे ही लोग कंपटीशन में जो मेरे हैं वो योग निद्रा शुरू कर दिया, वो सुलाने का काम हो रहा बड़ा जबरदस्त, लेकिन मैंने उस व्यवस्था को नाम दिया, लोगों ने उस व्यवस्था को मतलब नाम को कॉपी मारना शुरू कर दिया, व्यवस्था तो उन्हें पता ही नहीं। मेरे पास इतने लोग इस समय यहां उपस्थित बैठे हुए हैं, इनमें से एक बता दे कि कभी किसी को जो चीज कराई वो दूसरे को भी कराई, या कोई कोई सेट पैटर्न है। मेरे साथ ये बैठा हुआ है लगभग 5 सालों से है, 6 साल से, अब 5-6 सालों में ये कह दे कि मेरा कोई सेट पैटर्न कभी इसने देखा, कोई सेट पैटर्न जैसी चीज नहीं, और सेट पैटर्न हो भी नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, क्योंकि होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मेरा तो सिर्फ यह है, किसी के मैं हार्डवेयर पे काम करता हूं, किसी के सॉफ्टवेयर पे काम करता हूं,
हार्डवेयर को भी मैं समझ चुका हूं कि हार्डवेयर को भी कैसे मैनेज, भले ही मेरे पास भी कोई ऑपरेशन करने की विधि नहीं है, मेरे पास कोई सेक्स के कामुकता से ग्रसित आए तो मैं उसके शरीर का ऑपरेशन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कुछ ऐसी बातें जान ली हैं जिससे वो दबाव को कम किया जा सकता है। और वो व्यक्ति खुद ही कहने लगता है कि हाँ यार ऐसा फील हुआ। अभी एक योगी महाराज जी थे, नाम नहीं लूंगा उनका, वो अब क्योंकि वो भाई सेंटर नेटर चलाते हैं योग का, लेकिन वो मेरे पास आए थे, वो एक प्रयोग करके गए। वो प्रयोग करने के बाद पहले तो थे कि भाई सेक्स से ग्रसित होते ही होते हैं, लेकिन जब वो होके गए तो उस प्रयोग के गुजरने के बाद वो कुछ दिनों तक तो उनकी हालत ही वो उनसे कहते थे आपने तो नपुंसक बना दी, आपने तो आप तो मुझे लगता है मैं नपुंसक हो गया, मुझे चिंता सताने लगी, मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर डॉक्टर को दिखाऊं। मैंने कहा समय का इंतजार करो, हार्डवेयर में कुछ तब्दीलियां आई हैं, ये तुम्हारी सॉफ्टवेयर की परिस्थितियों के तहत हैं, क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी थी विवाह पत्नी से किया वो चली गई थी, फिर अब किसी से प्रेम है लेकिन उससे रोज मिल नहीं सकते, काम वासना तो वहीं वहीं खड़ी, या तो मिलो पूर्ति करो। तो मैंने उनके कुछ इस तरीके से उनके ऊपर प्रयोग किए कि उनकी काम वासना थोड़ी शांत हो जाए, एक लंबे समय तक जब शांत रहेगी तब तक दिमाग दूसरे तरीके से डेवलप हो जाएगा, और जब वो दोनों चीजें मिलेंगी तो उनके जीवन में बड़ा आनंद आएगा। आज उनके आनंद है जीवन में, लेकिन दिमाग नहीं समझ सकता ये आनंद आया कहां से। अब दिमाग उनका पकड़ेगा जो एक आध चीज उन्हें कराई, तो यदि उनके पास कोई टेंशन में आएगा वो उसको वही करा देंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। मैं तो सिर्फ एक ही अब बात जो कहने जा रहा हूं वो ये है कि ये जो प्रोसेस है जिसका नाम अभी तक योग निद्रा के संबंध में लोगों ने सुना, अब ये प्रोसेस का नाम बदल के मैं सखा प्रोसेस कर देता हूं। हाँ वो अच्छा होगा, अब मैं सखा हूं, मेरा ही प्रोसेस है। अगर आप सखा प्रोसेस से गुजरोगे तो मैं इसकी बात कर सकता हूं। अब करो कॉपी, अब फैलाओ भ्रम, अब सब अपने नाम सखा रख लो। तो आज से उसका नाम सखा प्रोसेस है। इसमें ध्यानियों का भी उपचार कर, मेरे पास बहुत से ध्यानी आते हैं, और मेरे ऊपर इल्जाम क्या है, जैसे तुम ही बात कर रहे थे, मैंने तुमसे कहा कि तुम थोड़ा ध्यान पे मत जोर दो, और ध्यान हो जाएगा, मतलब जो तुम चाहते हो वो होगा, लेकिन ध्यान पे जोर देने से नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में मुझे सन्यासी नाराज, ये तो देखो ध्यान के खिलाफ कर देता तो गंदा आदमी, मैं तो उसका वीडियो दिखवा सकता हूं जिसमें इसने कहा कि ध्यान मत करो। अब भाई मैं तो सब कुछ कहता रहता हूं, मेरे सारे वीडियो दिखवाओ, मैं कोई बात नहीं, तुम एक भी दिखवा दो, मेरी बात ऐसी है कि फिर वो सब देखेगा। तो ऐसी स्थिति में जो चीज है, मैं व्यक्तियों पे काम करता हूं, किसी का ध्यान छुड़वाता हूं, किसी को ध्यान करवा देता हूं, किसी को कुछ किसी को कुछ, लेकिन जो उसके योग्य होता है। डिप्रेशन के मरीज जब मेरे पास आए तो वो दवाई खा रहे हैं कोई, मैं कहता हूं दवाई छुड़ा देता हूं, नींद की गोलियां छुड़ा देता हूं, आपके पास नींद अनिद्रा, अनिद्रा भी यही बीमारी है, नींद नहीं आ रही वो फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी भी वही दिक्कत है, कुछ चीजों के भय ग्रसित हो गए हैं, वो उलझे हुए उसी में बैठे हुए ट्रेन में, और या कहीं कोई यार नीचे बम तो नहीं रखा जिसको है उसके लिए एंजाइटी वाला, है एंजाइटी वाले बड़े चक्कर में होते हैं। एक आदमी घर में रहता, कहीं मेरा मेरा पति मुझे निकालता नहीं देंगे, वो ये प्रॉब्लम चल रही, यही एंजाइटी बोली जाती है, जो समस्या है नहीं उसको भी समस्या मान के अपने दिमाग में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं मैं इस पे काम करता हूं, लेकिन मेरे ढंग है, दो एंजाइटी वाले एक जैसे नहीं हो सकते ये भी बता दें, दो डिप्रेशन के मरीज भी एक जैसे नहीं हो सकते, दो अनिद्रा के मरीज भी एक जैसे नहीं हो सकते, कोई भी एक जैसे नहीं हो सकते, सबके अंदर अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रहार करने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके हैं। और ये अब यही कारण है कि जब अलग अलग प्रोसेस हैं और अलग अलग सब चीजें हैं, तो कई बार लोग मुझसे कहते हैं स्वामी जी आप कुछ इंटरनेट पे डाल दीजिए जिसे हम लोग देख के कर सकें। अब भाई देख के तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अभी जानते ही नहीं हो, तुमने अपनी टेस्टिंग नहीं कराई, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें है क्या, तो देख के तुम कर नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे पास आओ, अब मेरे पास आओ, लोग कहते हैं हम आ जाएंगे, लेकिन स्वामी जी अब आपकी फीस, अब भाई फीस तो है, अब यहां आओगे
तो यहां किस चीज में तुम्हें मैं करूंगा, मैं तुम्हें रुकाऊंगा, पहले तुम्हें अच्छे माहौल में छोड़ूंगा ताकि तुम फ्रेंडली हो सको। फ्रेंडली होने के लिए तुम्हारे साथ चाय पीऊंगा, अब चाय में बिस्कुट भी अच्छा वाला होना ही चाहिए। फिर उसके बाद तुम्हें फ्रेंडली बनाने के लिए किसी किसी के साथ वाइन भी पीनी पड़ती, फिर किसी को फ्रेंडली बनाने के लिए मैं मूवी भी दिखाने ले जाता हूँ। कई बार लोग हैरान होते हैं, मैं कुछ लोग मेरे पास ऐसे हैं मैं असल मूवी देख के आते हैं, कहते ये पागल आदमी, मैं तो समझाता बुद्ध है या तो मूवी दिखवा रहा है, बुद्ध कोई मूवी देखते हैं? अरे बुद्ध के समय में मूवी थिएटर थे नहीं, तो देखते कहाँ से, है ना? आज के तो देखते हैं, मैं तो देखता हूं। उन्होंने नहीं देखी जो भूले उन्होंने की, वो मैं थोड़ी ना करूंगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे साथ वो प्रोसेस है, उसमें धन खर्चा होता है। फिर इन सब चीजों में सहयोगी बने। कभी कभी आदमी मेरे सामने नहीं खुलता, उसका असली चेहरा मेरे सामने नहीं आता, तो वो अनिल के सामने निकाल देता है। फिर अनिल से मैं पूछ लेता हूँ, हाँ बेटा कौन सा चेहरा था? अनिल बता देता ये वाला चेहरा। तो ये भी एक ट्रीट है, लेकिन फिर अनिल को रखना पड़ता है, फिर अनिल के खर्चे। फिर अनिल भी तो आखिर पिक्चर देखता है कि नहीं देखता? इसलिए मेरा थोड़ा प्रोसेस महंगा है। वो है ही, उसका उसको छोटा किया भी नहीं जा सकता, छोटा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने फिर भी मेरे दिल में ऐसी जगह होती है कि कुछ लोगों के लिए मैं काम आ सकूं जिनके पास बहुत धन नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा जो धन दे देते हैं आसानी से, यानी कि वो थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हाँ, सीधी सतर्क है। हाँ तो इसलिए मैंने इस प्रोसेस को अब इस ढंग से निर्मित किया कि जिस दिन से अब ये घोषणा होने वाली है कि अब सखा प्रोसेस से अगर आप गुजरें तो आपकी सभी बातों का इलाज, चाहे वो डिप्रेशन का हो, चाहे ध्यान से संबंधित हो, चाहे कुंडली जागरण से संबंधित हो, क्योंकि यहां मैं फड़फड़ाने की व्यवस्था नहीं करता, ना ही किसी का कुंडली जागरण करता हूं। पहले मैं टेस्टिंग करता हूं, हो सकती कि नहीं हो सकती, हो सकती है तो उस पर भी काम करूंगा। आज तक के मेरे इतिहास में सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली जागरण हुई, लेकिन मैंने उनको कहीं भी लाइमलाइट में नहीं लाया, कहीं भी उनकी बातों को मैंने उड़ाया नहीं। मैं उड़ा सकता था, आसानी से लेकिन मैंने कभी उसको उड़ाने नहीं, कभी जरूरत नहीं समझी उसकी। वो उन पे काम हुआ, वो उनके योग्य था, वो उनकी जरूरत थी, तो वो हो गया। बाकी सबकी नहीं है तो नहीं हो गया। इससे जुड़ा सवाल आ गया, अगर कुंडलिनी जागरण हुई दो लोगों की, और कुंडलिनी जागरण अगर मैं सही समझूं तो यानी बुध तव घटा नहीं, अचानक, दो अलग चीजें, ना ना ना, ठीक है? कुंडलिनी जागरण बुद्धत्व घटना नहीं है। कुंडलिनी जागरण मात्र इतनी सी घटना है कि हमारे शरीर में जो व्याधियां हम अपनी माँ के पेट से लेके आते हैं, जो भय, जो जो जिस तरीके की लोभ मोह, जो माँ के पेट से लेके आते हैं, तो कुंडली जागरण एक ऐसी घटना है जिसमें वो व्याधियां मिट जाती हैं। मतलब आपकी खुद की लाइफ है, आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस हर एक के साथ नहीं होता। हम अपनी माँ से इतने सेटिस्फाइड हैं, जेनेटिक तत्व पे नहीं, साइकोलॉजिकल तत्व पे भी, कि हम माँ के अगेंस्ट कभी होते नहीं। तो जो व्यक्ति अपनी माँ के अगेंस्ट नहीं, उसको जरूरत भी नहीं माँ के। लेकिन कभी कभी माँ के अगेंस्ट दिमाग हो सकता है, लेकिन शरीर पक्ष में हो सकता है, दो में से एक चीज तो पक्ष में होती है। तो ऐसी स्थिति में माँ का तत्व जो है वो आपके तत्व को एडजस्ट हो जाता है, उससे फिर मुक्ति भी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हो सकता है दिमाग से लगे कि मैं तो अपनी माँ से नाराज नहीं, इसे मैं अपनी माँ से नाराज नहीं, लेकिन फिर भी उसकी कोई चीजें मुझे नहीं चाहिए। माँ प्यारी होगी, मुझे कोई चीजें उसकी नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में वो व्यर्थ लगती हैं, बहुत जबरदस्त व्यर्थ लगती हैं। और ये गहनतम है, ये भी ऊपर दिमाग की खोज नहीं। जैसे मैं बात कह रहा हूं, बहुत लोग कहेंगे स्वामी जी ये तो मेरे साथ भी है, तो फिर तो मुझे कुंडली जागरण हो सकता है। ऐसा भी नहीं, इसकी भी डेंसिटी है कि कितनी डेंसिटी पे हो सकता है, एक व्यक्ति के अंदर कितना गहरा तत्व है ये, तो उन सब पे ये डिपेंड होता है कि मामला कहां पे जा सकता है। तो दो बच्चों को हुआ, मैंने उनकी बात नहीं की, उनको ही पता है, या उस समय जो लोग उपस्थित थे उनको थोड़ा समझाया कि ये घटना क्या थी, लेकिन इसको मैंने कहीं महिमा मंडित नहीं करा। बुद्ध तो फिर उससे अलग घटना है, आगे की घटना है। बुद्धत्व तो वो घटना है जिस घटना में सिर्फ बुद्धत्व वाले को ही मजा आता है, बाकी का किसी का लेने देना नहीं। एक व्यक्ति अपने में एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट का मतलब है आपके जीवन प्रकाशमय हो गया।
प्रकाशमय का अर्थ है कि अब कोई डिवाइडिंग माइंड नहीं, जैसे अंधकार होता है। मैं आपसे कहूं जाओ बाहर चले जाओ, आपको किधर है स्वामी जी, गेट किधर है, बड़ी तो इट मीन यू आर इन डार्कनेस, है ना। अब मैं कहूं एनलाइटमेंट, प्रकाशमय हो गया, अब आप में कोई भ्रम नहीं, मैं कहूं जाओ, आप तुरंत निकल जाते हो क्योंकि गेट दिख रहा। जिस व्यक्ति के जीवन में डिवाइडिंग माइंड खत्म हो जाता है उसमें एक प्रकाशमय उपस्थिति होती है। तो वो प्रकाशमय उपस्थिति है, कोई बहुत बड़ी घटना ना उसको मानो, वो एक प्रकाशमय है कि अब एक व्यक्ति प्रकाश में है और उसको जीवन के सब भ्रम मिट गए, उसको अगले जन्म पिछले जन्म के भी मिट गए, उसको रिश्ते नातों के भी भ्रम मिट गए, सब भ्रम ही तो हैं। अभी मुझे एक लड़का कह रहा था, उसने मुझे मैसेज किया कि स्वामी जी आपके प्रवचनों को सुनता हूं, आप घर बार छोड़ने की बात बताते हो, आपने आप ये बताओ जिन माँ बाप ने इतने प्यार से पाला पोसा, अब इनको कैसे छोड़ दें, अब इनका कौन ख्याल रखेगा। मैंने कहा भाई तू हिंदू है, बोला है। हमने कहा पुनर्जन्म में विश्वास है, बोला है। हमने कहा अच्छा बाकी के माँ बापों के बारे में बताओ जो तुम्हारे पिछले जन्मों में रह चुके, वो ठीक हैं, मजे में हैं। बोले मतलब, मैंने उनका तुमने ठेका लिया, उनका पता है तुम्हें, हो सकता है पड़ोस में जो नत्थू रहता हो जिसे कल तुमने थप्पड़ मारा था वो पिछले जन्म में तुम्हारा बाप हो। हाँ संभावना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, नत्थू के पैर छूओगे? तो इसी जीवन में तुम्हारा जो पिता है इससे भी कभी कभी झंझट हो जाता है। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई इतने जन्मों के पिता का तुझे पता नहीं, तो उनके सुख दुख के चक्कर में पड़ा नहीं, तो तू मेरे पास आ, मैं तुझे मोक्ष की तरफ ले सकता हूं। ना तू पैदा होगा अगली बार, ना तेरे माँ बाप होंगे, ना तुझे दिल सताएगा कि माँ बाप का क्या करना जब माँ बाप ही नहीं है, तो बिन माँ बाप की संतान। एनलाइटेड व्यक्ति बिन माँ बाप की संतान होता, उसका कोई माँ बाप नहीं। तो अगर समझदारी से देखो तो रिश्ते नाते भी तो भ्रम ही है, अगर समझदारी से देखो तो हिंदू मुस्लिम भी तो एक भ्रम ही है, अगर समझदारी से देखो तो देश और ये सब भ्रम ही तो है। मैं बचपन में देखा करता था सैटेलाइट से तस्वीर दिखाई थी, मानसून की तस्वीर दिखाई जाती थी दूरदर्शन पे, मैं कहता था बहुत परमात्मा ने लकीर खींच रखी, भारत का नक्शा है ना ऊपर से सैटेलाइट से भी दिखाई देता है। ये तो अब पता चला कि मामला कोई सैटेलाइट से कोई नक्शे नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं खींची हुई, ये तो इंसानों ने दिमाग की बाउंड्री उस नक्शे में भी बना दी, तो कोई बाउंड्री नहीं है। मैं गया था पाकिस्तान के बॉर्डर, अभी पंजाब, तो पंजाब घूमने गया, वहां पाकिस्तान के बॉर्डर पे गया, जहां पे उधर पाकिस्तान के लोग चिल्ला रहे, इधर इंडिया के लोग चिल्ला रहे, कंपटीशन है ना, और वो एक आदमी जो कह पड़ा पाकिस्तान, मतलब सब एक एग्रेशन पैदा करे। मैंने उससे कहा तुम सैनिक हो, तुम सुरक्षा सही से नहीं कर रहे। बोले मतलब, मैंने कहा वो पक्षी गुजर गया उधर देखो, गया बॉर्डर क्रॉस कर गया, मार साले गोली तो बॉर्डर क्रॉस कर गया, क्या करोगे इसका। तो ऐसी ऐसी जो स्थितियां हैं, जो व्यक्ति जागरण को उपलब्ध हुआ, जिसमें प्रकाशमान हुआ, उसके सब भ्रम गिर जाते हैं। वो उन जैसे फिल्म देखने गए, अब कुछ लोग फिल्म देख के रोते हैं, जैसे हमारी सास एक बार आई और एकदम आके हमारी मतलब वाइफ से चिपट के रोने लगी, मैं एकदम सन्नाटे, मैंने कहा क्या हुआ, तो बोली मियर मर गया। फिल्म देख के आए, देखो नाटक, नाटक में नाटक आता था कोई, उसमें वो मियर था कोई, मुझे तो पता नहीं, मैं देखता नहीं, वो बड़ी रोई, बोली मियर मर गया। मैंने कहा कौन रिश्तेदार कौन, बोले नहीं वो एक नाटक में है। अजीब नाटक मचा रखा, क्योंकि नाटक में था, तुमने नाटक मचा रखा है। फिर थोड़े दिन बाद वो कहती थी मेरे वापिस आ गया। अब वो खुश है क्योंकि सास उसको उसको पता है, डायरेक्टर को पता है कि कब मिहिर को मारो, छुट्टी देनी है, लोग इससे दिल जोड़ लेंगे। तो यही तो होता है,
एक पार्टी किसी एक सिंबल को खड़ा करती, एक ऐसे खड़ा कर देती है उंगली दिखाता हुआ, ऐसे करती है, बोले ये हमारे भगवान। फिर वोट कम पड़ते हैं, फिर एक बार उनकी पार्टी के लोग बहुत दिन भगवान माने, काम तो कुछ हुआ नहीं, कुंडली तो किसी की जगी नहीं, तो वोट भी बहुत साल दिया, फिर उन्होंने कुछ काम किया नहीं, उंगली दिखती रही। तो फिर हालत ये होती है कि वो वोट कम हो जाते हैं। तो एक दिन बैठी वो डायरेक्टर की तरह सोचती है, क्या करें क्या करें, उंगली तोड़ दूँ। बस एक गांव में किसी खड़े हुए ऐसे आदमी की मूर्ति की उंगली तोड़ दी जाती। बस उसी साल वहां के सारे लोग इकट्ठे होकर वोट दे देते हैं। अब अगर ये चीज सम्मोहन, इसको भ्रम ना मानो और क्या मानो, पड़ा हुआ है, बहुत गहरा भ्रम है। अभी ये लोग जो सुन रहे मेरी उंगली तोड़ दें, आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस उंगली उठाए आदमी की बात कर रहा हूं, लेकिन वो उंगली उठा रहा था, देखो भ्रमों से बाहर आओ। वो भी मेरी तरह उंगली उठा रहा था। तो ये इस तरीके से जो भ्रम पड़ जाते हैं हमारे मस्तिष्क पे, इसको महात्मा बुद्ध ने कहा जागरण है सभी प्रकार के सम्मोहनों से मुक्ति। आत्म सम्मोहन हो जो तुमने कर लिए उनसे भी मुक्ति, चाहे दूसरे के द्वारा सम्मोहन हो उनसे भी मुक्ति, यही जागरण है। आपने कहा कि एनलाइटनमेंट इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं है, एक सामान्य घटना है। नहीं नहीं प्रोसेस नहीं, इतनी बड़ी घटना नहीं है, घटना इसको बहुत बड़ी घटना ना माने। मैं ओशो से ज्यादा प्रभावित हूं, तो मैंने ओशो को पढ़ के जो कई भ्रम पाले या कई बातें जो मुझे समझ में आई, उनमें से एक ये कि एनलाइटनमेंट अल्टीमेट चीज है, अंतिम है, और अगर एनलाइटनमेंट किसी को घटती है तो बस आखिरी घटना घटगी। और दूसरी बात यह कि उसके जीवन में तो घट ही गई। एनलाइटेंड आदमी का इस जगत में सबसे बड़ा सम्मान होना चाहिए, और यह सम्मान हो या ना हो, एनलाइटनमेंट को प्राप्त आदमी फिर दूसरों को एनलाइटेंड करने की यात्रा पर निकल ही पड़ेगा। कुछ नहीं निकल पाएगा और कुछ लोग निकलेंगे, तो जितने भी एनलाइटेंड हो उतना भला उतना अच्छा, और वो एनलाइटेंड चुप ना रह जाए, वो अपने अपने प्रयास करें दूसरों को जागृत करने के, क्योंकि इतना अंधकार है जगत में, इतना कष्ट है, और वो कहीं कष्ट, वो भ्रम, वो सारा खेल, वो इसीलिए है कि लोग एनलाइटेंड नहीं है। अगर आपका दिया जल गया आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और अगर किसी का जो इतने जन्मों से अंधकार में तड़प रहे हैं, घूम रहे हैं, तरस रहे हैं, तो उनके लिए उनको हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो वो एनलाइटनमेंट को इस तरीके से कहते हैं, इस तरीके से नहीं तो बहुत तरीके से हम भी कह सकते हैं, हम उसको विरोध कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो फिर आप कुछ दूसरे तरीके से कह रहे हैं, जैसे तुम ओशो से बहुत प्रभावित हुए, तुमने ओशो के प्रभाव में आके तुमने एनलाइटनमेंट की बात को बहुत अच्छा माना, ये प्रेम है। कितने शिविर तुमने किए ओशो के? तकरीबन 10। 10 कुछ पैसे से भी खर्च किया हूं करे तो मालूम है, ये रोल्स रॉयल और ये सब घड़ियां कहां से आती थी? पूरी प्रोसेस का मुझे नहीं पता, वो सब इन्हीं से आती थी, वो इन्हीं बातों से आती थी। बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि दुनिया में जातिवाद मिटना चाहिए, तो उन लोगों के पास जो ऐसा बोलते हैं उनके पास बहुत धन है, बाकियों के पास किसी के पास कुछ नहीं है, ना जाति मिटी ना कुछ हुआ। बहुत से लोग कहते हैं राम राज्य आ जाना चाहिए, जो ये कहते हैं उनके पास तो कुछ है ना, तो राम राज्य आया ना बाकी कुछ आया। अंबानी है, अंबानी कहता था कर लो दुनिया मुट्ठी, मेरा मोबाइल सब कर लो, सबने कर लिया, उसके पास बहुत कुछ आया, बाकी के पास कुछ नहीं आया। ऐसे ही अगर किसी को भ्रम में डालना हो तो इस तरीके के भ्रम पैदा करने पड़ते हैं, बहुत तरीके के भ्रम पैदा करने पड़ते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एनलाइटमेंट घटना है, ओशो ने ये चीज कही, ये बात ओशो की सच है, एनलाइटमेंट है, ओशो ने ये बात कही, ये भी ठीक है, लेकिन एक तीसरे प्रोसेस पे भी बात कही, उस प्रोसेस को भी समझा जाना चाहिए। ओशो ने ये भी कही कि तुम ज्यादा जगाने के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा झंझट में मत पड़ो, तुम खुद जाग जाओ, तुम्हारी खुशबू फैलेगी, वो तुम्हारे नशापुटों में जिनके गंध होगी वो आएंगे, उनको वो दे देना,
तो लठिया लेके जगाओगी क्या? तुमने जीजस को देखा, वो जाग गए, उनको सूरी किसने दी? जो जबरदस्ती जगाने की कोशिश कर रहे थे वो शायद। और ओशो ने जब ये कहा कि जागे हुए आदमी ज्यादा से ज्यादा हो, ये बहुत हित की बात है, अब मैं जीजस हूं, अगर मुझे सूली होगी तो इसमें ओशो के सन्यासियों का सबसे बड़ा हाथ होगा। देखा नहीं था कि कुंभ में मुझे सूली दे दी थी? सूली ही तो थी, थोड़े से डरपोक टाइप है, नपुंसक टाइप, इसलिए वो वाली सूली नहीं थी जिसमें कील ठूकती है, लेकिन मेरी व्यवस्था पे कील तो ठोकी। कहां चक्कर में पड़े, कौन ओशो की सुन रहा, कौन ओशो की जान रहा, लेकिन जिनके नशापुटों में थोड़ी से प्राण हैं, वो आज भी मेरे पास हैं, वो आ जाते हैं, उनके रोकने के बावजूद आ जाते हैं, बैरियर्स लगाने के बावजूद आ जाते हैं। मेरा तो मानना है बुद्ध पुरुषों ने इस जगत को जितना नुकसान पहुंचाया उतना और किसी ने नहीं पहुंचाया, इसलिए बुद्ध पुरुषों पे एक तरीके का बैन होना चाहिए, और वो बैन एक बात का सिर्फ होना चाहिए। जैसे पूरे समाज ने मनुष्यता की आत्मा पे जो है पहरे लगा दिए नियम कानून के तहत, ऐसे जो भी बुद्ध पुरुष किसी भी प्रकार की व्यवस्था को नियम के रूप में देगा वो समाज के लिए बहुत बड़ा जहर पैदा कर देगा, वो उसकी करुणा के कारण ही है। तुम क्या समझते हो कि जो समाज में नियम दे रखे हैं, सामाजिक नियम जिसमें आदमी की चेतना मरी चली जा रही है, ये जिन लोगों ने दी वो भला नहीं करना चाहते थे? तुम्हारी पत्नी जो तुम्हें दूसरे औरत के पास नहीं जाने देना चाहती, वो भी तो भला ही कर रही तुम्हारा। तुम्हारे पिता जो अपनी संपत्ति पे बैठे हैं और तुम्हें दे नहीं रहे कि मरने के बाद सब ले लेना, वो भी तो भला ही कर रहे तुम्हारा। कहां भला हो रहा है इससे? ये सब भला करने की कोशिश में ही बुरा करते हैं। मैं इसीलिए भला करने पर ज्यादा डिपो नहीं हूं, मैंने इस बात को अच्छे से समझ लिया कि भला करना ही सबसे बड़ा बुरा कर देना है किसी का। तुमने देखा तुम यहां 3-4 दिन से हो, मैं इन बच्चों को क्या सिखा रहा हूं कि तुम मुझसे बहुत भले वैसी उम्मीद मत कर लेना, अपने अपने कैरेक्टर्स को जियो, मैं तुम्हें बुद्धत्व भी नहीं देना चाह रहा, हो जाए तो हो जाए। मैं तुम्हें एक माहौल दे सकता हूं जिसमें खिल गया फिर खिल गया, लेकिन उस माहौल के लिए अगर प्रोसेस की बात करूं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और वही होती आई है। मैं कितना भी सुधार कर रहा हूं, थोड़ी बहुत भूले तब भी लोग खड़ी करेंगे इसमें, और इसीलिए मैं तो बुद्धत्व के माध्यम से अपनी घड़ियां भी नहीं खरीदना चाहता, और ये सब मैं तो सीधी सी बात ही है, उसके लिए कुछ कर लो, उसके लिए कुछ ऐसा काम कर लो जिसमें गिव एंड टेक सीधा सीधा हो जाता, वो सीधा सीधा गिव एंड टेक ज्यादा अच्छा है। फिर बुद्धत्व को लोगों ने क्या समझा? बेवकूफ, बुद्ध को तो कोई जरूरत ही नहीं होती, बुद्ध को तो ठंड भी नहीं लगती, कंबल नहीं चाहिए, बुद्ध को तो सेक्स भी नहीं उठता, वो तो ऐसे बुड़म बुड़म कर देते हैं बच्चे पैदा हो जाते हैं, बुद्ध को तो प्यास भी नहीं लगती क्योंकि उन्होंने अमृत चख लिया, तो पानी ऐसे करके लाओ गिलास में मुंह पे फेंक के मार दो। बुद्ध को पानी पिलाने का ढंग यही है, बुद्ध कहे पानी ले आओ तो गिलास में ले जाओ मुंह पे फेंक के मार दो। बुद्धों के साथ हमने सुलूक क्या किया? बुद्धों के साथ हम उन्हें बुद्धू समझते हैं, हम समझते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं। मैं तुम्हें बताऊं, बुद्धत्व तो वो चीज है कि जो तुमको किसी को भी संसार में चाहिए उसको वो 100% चाहिए। संसार में किसी को भी किसी चीज की कोई कर्म की जरूरत है, वही कर्म उसको 100% करना, अगर करना है तो, मतलब वो कर्म भी 100% रखेगा, चाह भी 100% रखेगा, हर चीज 100% रखेगा, वही बुद्ध हो सकता है। अब 100% वाला खतरनाक है क्योंकि यहां मन को मारे वो तो बढ़िया, 100% जो करे वो गलत। तो इसलिए बुद्धों की जो बातें हैं, बुद्धत्व की जो बातें हैं, मैं तुमसे सिर्फ इसलिए कहता हूं, पहला बुद्ध जो हुआ होगा वो किसी बड़ा सिखाए पे हुआ, किसी प्रोसेस पे हुआ। दुनिया में उस दिन भगवान की हत्या के पूरे इंतजाम हो गए थे जिस दिन भगवान के संबंध में पहली किताब लिखी गई थी। उस दिन हमने भगवान का कफन डालना शुरू कर दिया था भगवान पे। जितनी किताबें बनती गईं वो उस पे और
कफन डालती गईं, फिर काफिन में, फिर कीलें ठोकने का काम करती चली गईं। सत्य विदा है जब से उसका वर्णन करना शुरू किया गया। सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, ये सब साले कहते हैं, तुम्हारे ओसो भी कहते थे, फिर काहे चिल्लाते रहे? सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, ये बात सच है, सब मानते ये बात सच है, सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्यों ये पाद मार के बोला था उन्होंने, उसमें ये भी तो वर्णन ही किया था, वर्णन था उसमें है, थोड़ा पेंच है, लेकिन बात क्लियर भी है। बात क्लियर, वो क्लियर तो खूब की जा सकती, क्लियर तो मैं भी कर दूंगा कि सत्य कहा जा सकता है। तुम्हारी मजबूरियों को तुम ये मत कहो कहा नहीं जा सकता, तुम ध्यान के माध्यम से कह रहे हो, तुम लोगों को नई परिभाषा दे रहे हो। जैसे मैं हिंदी में बोलता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और कोई रशियन आके खड़ा हो जाए तो उसे कैसे हम बोलेंगे प्यार करता हूं? तो उसके लिए एक नए तरीके का हम सॉफ्टवेयर इजाद करेंगे जिससे हम उससे ट्रांसलेट करके बात कर सकें। तो सुनो, ट्रांसलेट करना एक प्रोसेस है। सत्य कहा नहीं जा सकता, लेकिन ध्यान ट्रांसलेट करने का प्रोसेस है जो ओशो करवा रहे थे। सत्य नहीं कहा जा सकता, ये शाब्दिक मजबूरियां हैं, लेकिन उनको फिर भी व्यक्त करने के लिए कहा जा सकता है। तो ध्यान भी तो एक शब्द है, उसको समझाने के लिए भी तो शब्द हैं। मैं कहता हूं शब्द कहा जा सकता है, सत्य भी कहा जा सकता है, अनुभूतियां कही जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए अभी हमने पूरी प्रिपरेशन नहीं की। एक गालिब का शेर है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। तो जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो ज्ञान को उपलब्ध है, उसके ऊपर एक शेर है जो लागू करना चाहिए, और अगर वो लागू ना हो तो समझा गड़बड़ है। और वो शेर यही शेर है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जुबान ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। जुबान से टपकना चाहिए, और कहा है ओशो ने, अपनी जुबान से कहा है। जब बोले हैं तो कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों को वो स्वाद लगा है। मैं जुबान से कहा, गूंगा बुद्ध पुरुष कभी हुआ? अगर सत्य कहा नहीं जा सकता तो सबसे ज्यादा संभावना तो गूंगे के पास रही, फिर गूंगा बुद्ध पुरुष एक बताओ मुझे, नहीं तुम बता ही नहीं सकते, क्योंकि बोलेगा नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा बुद्ध है। इसलिए अगर कुछ कहा जा सकता है तो शब्दों से ही कहा जा सकता है। मैं खिलाफ में हूं इस बात के कि शब्दों से नहीं कहा जा सकता। हां, आ जाएंगे कुछ लोग मेरे पास कि गुड़ का स्वाद बताओ, मैं सालों के मुंह में गुड़ डाल दूंगा, लेकिन शब्दों से डालूंगा, दिव्या गुड़ लाओ, शब्द बोले फिर मुंह खोलो, शब्द है फिर मुंह में डाल दूंगा, यह है स्वाद। शब्दों से ही कहा जाता है, जो शब्दों से पूछा जा रहा है उसे शब्दों से ही कहा जाएगा। हां, जो शब्दों से ना पूछा जाए, शब्दों से ना पूछने वाली चीज को ना शब्दों से ही कहा जा सकता है, ना शब्दों से ही कहना पड़ेगा। कोई ऐसे आएंगे जो ये नहीं पूछेंगे सत्य क्या है, कोई ऐसे आएंगे जो सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाएंगे, फिर वहां उनसे आंख बंद करके मैं भी बैठ जाऊंगा। बुद्ध और महावीर एक ही धर्मशाला में रुके, मिले भी होंगे, आस पड़ोस में गुजरे भी होंगे सामने से। पहली बात तो ये कहानी पे मुझे बड़े संदेह होते हैं, क्योंकि महावीर धर्मशाला में रुके, बात समझ में नहीं आती, जो नंगा घूम रहा है, जो हर जगह ऐसे ही अपने विचरण कर रहा है, वो धर्मशाला में कैसे रुकेगा? मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। वो नदी के किनारे रुक जाए, बात समझ में आती है, वो धर्मशाला में रुक के क्या करेगा? धर्मशाला में तो वो रुकते हैं जो कपड़े पहनते हैं, क्योंकि धर्मशाला दो ही तीन बातों के लिए जरूरी होती है। धर्मशाला सोने के काम आती है, धर्मशाला कपड़े बदलने के काम आती है, नंगा कोई देखना ले इसलिए बाथरूम के काम आती है। लेकिन महावीर तो जो पूरे ही नग्न हैं, उनको धर्मशाला की क्या जरूरत? खैर चलो, हम मान भी लें कि धर्मशाला में रुके, दोनों लोग रुके। अब दोनों लोगों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ। असल में संवाद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको वो भी गुड़ खाए हुए और वो भी गुड़ खाए हुए, तो शब्दों में कोई बात नहीं की, लेकिन दोनों के बीच स्वाद एक है तो बात हो गई। तो जो सत्य शब्दों से पूछा जाएगा उसे शब्दों से ही बताना पड़ेगा,
और जो सत्य शब्दों से नहीं पूछा जाएगा उसे शब्दों से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि ओशो का कोई सन्यासी इस बात से सहमत है ओशो की कि शब्दों से सत्य बताया नहीं जा सकता और फिर भी मादक जात सुन रहा है उनके प्रवचन, तो साला मूड है, क्यों सुन रहा है प्रवचन? शब्दों से बताया नहीं जा सकता, मेरी अपनी समझ ये है, लेकिन फिर भी बताने की जरूरत है। एक बार बताओगे, बताते बताते पाओगे कि जो संवाद था वो तो आया नहीं, वो आ भी नहीं सकता। इस असमर्थता का स्पष्ट बोध होगा। लेकिन उस गुड़ का ही स्वाद ले लो, बुद्ध तत्व तो सबसे बड़ा स्वाद, गुड़ का स्वाद आप खा लोगे और आपसे कोई पूछे कि गुड़ का स्वाद क्या, तो आप कुछ कुछ अंदरगल बोलोगे और आपको लगेगा कि सब अंदरगल बोल रहा है। मैं क्या कह रहा हूं थोड़ा समझो, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं तुम्हें। इसमें ओशो और मुझ में भेद नजर आ रहा, लेकिन लगभग बात कह रहा हूं वही जो उन्होंने थोड़ा शायद शब्द कम कहे, इसलिए उसको पूरा कर रहा हूं। कोई मुझसे पूछे कि गुड़ का स्वाद बताओ, अब मैं ऐसे करके बैठ जाऊं, ऐसे आएगा तो उसे शब्दों से मैं कैसे बोलूंगा, बेटे वहां जाओ गुड़ रखा है उसको उठाओ थोड़ा खाओ। शब्दों से बताया, बताया नहीं बताया? गुड़ का स्वाद भी बताया तो शब्दों से, या मैं ऐसे चटका ले लेता, ऐसे हो जाता? तो इसलिए शब्दों से ही बताया जाएगा, क्योंकि शब्दों से पूछा गया। अब वो ना पूछे और मैं गुड़ के स्वाद में मजे में हूं और वो समझदार है, आए देखे कि प्लेट में गुड़ रखा हुआ है, वो मुझसे बिना शब्द पूछे गुड़ उठाए और खा ले, तो बिना पूछा अपने आप स्वाद दे दिया। समझदारी इसको बोलते हैं, सभी सयाने एक मत, जो उसने देखा वो इसने देखा, गुड़ उठाया वो खा लिया, पूछने की जरूरत नहीं। ये कुछ ओशो के जीवन, क्योंकि तुम ओशो से जुड़े हो इसलिए मुझे बात ओशो करनी पड़ रही, ओशो के भी जीवन काल में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि भगवान सत्य क्या, और सत्य को उपलब्ध हुए, जिसमें एक राजकुमार की बात है, उसने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया। उन्हें देखा ये आदमी गुड़ कैसे खाता है, उन्हें गुड़ उठाया खा लिया, उन्हें पूछा ही नहीं, बस उस आदमी से ये देख लिया कि इसको जो चटकारे ले रहा है ये किस समय ले रहा है, तो उस समय ले रहा है तो उस समय गुड़ कौन सा रखा हुआ है। इसको कबीर बोलते थे, हेरत हेरत हे सखी कबीर रहा हेरा है। गुरु के पास एक शिष्य होता है जो बातों में ही लगा रहता है, और एक होता है जो गुरु को निहारता रहता है कि ये क्या कर क्या रहा, इसके अंदर चल क्या रहा, ये कैसे कैसे मजे ले रहा, कैसी कैसी पीड़ाओं से गुजर रहा, कैसे कैसे इसमें करुणा के पेन हो रहे हैं, कैसे कैसे इसको जो मजे भी आ रहे हैं, कैसे कैसे बालक की तरह हर चीज को खेल बना लेता है। तो जो लोग ये सीखते हैं वो पूछते नहीं है, वो हो जाते हैं। लेकिन मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, शब्दों से जो सत्य पूछा जाएगा वह शब्द सत्य वो शब्दों से ही बताया जाएगा, और शब्दों से पूछे गए शब्दों में मतलब सत्यों में जो पूछ रहा है उसके अंदर इतना प्राण भी नहीं होगा, इसीलिए उसको बताया भी जा सकता है क्योंकि उसको भी वो सत्य की डमी मिलेगी। लेकिन एक बस चीज हो सकती है कि किसी दिन पूछते पूछते शब्दों की व्यर्थता समझ में आ जाए। अब वो आया है, पहले बहुत प्रश्न पूछता था, अभी उसके पास कोई प्रश्न नहीं पूछने को। शब्दों की व्यर्थता जब समझ में आ जाती तो लगता कि कहां ये सब चक्कर करना, और फिर वो आदमी उस तत्व की तरफ बढ़ सकता है कि जिस तत्व पे सत्य मिलता है शब्दों के बिना। लेकिन इसे यहां तक पहुंचने के लिए भी शब्दों की सार्थकता से गुजरना पड़ा। सार्थकता या अगर अगर बोला ना होता, नहीं सार्थकता, सार्थकता बताने वाले की, कि उसने जिस ढंग से बता बता के तुम्हारे गिराए, अगर मैं उत्तर ना दूं तो निश्चित जानो तुम्हारे ये प्रश्न और दरवाजे खटकाते रहेंगे और सारे जितने भी जगत में बुद्ध बैठे हों सब लोग मौन। तो तुम केवल अपने प्रश्नों के साथ अत्याचार बलात्कार करते रहोगे और कभी भी इससे पार नहीं आओगे।
लेकिन जब तुम आते हो मेरे पास, किसी के पास जो गिरा सकता है तुम्हारे प्रश्नों को अपने उत्तर से, जरूरी नहीं वो उत्तर सत्य है, उत्तर सत्य नहीं है, लेकिन उसने किसी तरीके से एन के प्रकरण तुम्हारे गिरा दिए, तो वो जो गिराने की प्रोसेस है उससे तुम्हारे प्रश्न ये गिरा वो गिरा वो गिरा वो गिरा सब गिर गया। अब क्या है? लगता है सारा व्यर्थ, चलो अब चलो, लेकिन खुजली मिटा ली, अब आगे बात हो सकती है। तो इसलिए वहां पे भी शब्दों ने ही कहा सत्य। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर बिल्कुल व्यर्थता है तो शब्दों को सुनने की जरूरत नहीं। अगर बिल्कुल शब्द व्यर्थ है तो 20,000 घंटे बोला क्यों उसने? नहीं, वो कहते हैं कि जो मेरा वाला सत्य है, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, वो शब्दों से नहीं दिया जा सकता, वो बातों से नहीं हो सकता। बातों से इतना हो सकता है कि तुम्हारा भरोसा जीता जा सके कि तुम जितना जानते हो उससे तो हम ज्यादा ही जानते हैं, ताकि तुम अपनी दिमाग की ऊहापोह गिरा के एक बच्चे की तरह उंगली पकड़ के मेरे साथ चलने का साहस कर सको। बस बातों से इतना हो सकता है, लेकिन वो भी तो बातें ही करती हैं। और इतना भी बहुत होता है, इतना भी बहुत है कि किसी व्यक्ति के अंदर से जो भय को उपलब्ध है उसमें एक बच्चे की तरह चलने का साहस जगा दे, ये भी होता है। तो इसलिए कम से कम मैं शब्दों की व्यर्थता नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि मैं शब्दों से ही दे देना जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं शब्दों की व्यर्थता तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। शब्द बहुत सार्थक हैं, और मैं तो कोशिश करूंगा, मैंने बोला भी है कि शब्दों की सार्थकता पे भी और काम होना चाहिए। जिस तरीके से हम किसी को गाली देके उसके अंदर से क्रोध उठा पाते हैं, कोई शब्द ऐसे भी निर्माण हो सकते हैं कि उसके अंदर से बुद्धत्व उठाया जा सकते हैं, लेकिन वो अभी खोजे आगे की बात है।